नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन सिंधी में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइग्रेन क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे माइग्रेन और रेगुलर हेडेक के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में। तो बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेन क्या है, व्हाट इज अ माइग्रेन। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक रिकरिंग हेडेक, एक है मोस्टली वन साइड लेफ्ट या फिर राइट विथ एडिशनल सिम्टम्स, सीवियर पेन और लास्ट लॉन्गर। देखिए ये जो भी शब्द है वो माइग्रेन के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें रिकरिंग हेडेक का मतलब होता है बार बार सिर दर्द होना, जो एक साइड मोस्टली देखा जाता है, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, कभी कभी कुछ केसेस में, रेयर केसेस में दोनों साइड भी दिखाई दे सकता है। विथ एडिशनल सिम्टम्स यानी कि सिर्फ सिर दर्द नहीं होता, सिर दर्द के साथ दूसरे भी कुछ एडिशनल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सीवियर पेन होता है, जो नॉर्मल हेडेक होता है उससे ज़्यादा हेडेक होता है, सीवियर पेन होता है, और ये जो भी माइग्रेन का जो दर्द होता है वो लास्ट लॉन्गर यानी कि लंबे समय के लिए रहता है। तो ये हो जाता है माइग्रेन क्या है उसके बारे में। अब बात करते हैं माइग्रेन और रेगुलर हेडेक के बीच में क्या डिफरेंसेस है। मेन छह डिफरेंस मैंने यहाँ पर एनालिस किए हैं, तो वन बाय वन हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट है टाइप ऑफ पेन, मतलब कि पेन यानी कि दर्द कौन से प्रकार का है। इन केस ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन का जो दर्द होता है वो थ्रोबिंग और पल्सेटाइल। पल्सेटाइल का मतलब होता है जिस प्रकार से हमारी दिल की धड़कनें धड़कती है उस प्रकार से रिदमिक पेन होता है। जैसे कि सपोज के आपके घर पर कोई वर्कर आया है जो कील ठोक रहा है दीवार पर हथौड़े से, तो उसमें किस प्रकार से आवाज़ आती है, एक रिदमिक मैनर में आवाज़ आती है, उस प्रकार से आपके दिमाग में भी इस प्रकार से दर्द होता है जो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है यानी कि सीरियस होता है, ज़्यादा होता है। इन केस ऑफ रेगुलर हेडेक, ये जो पेन होता है वो टेंशन टाइप हेडेक होता है, डल होता है, स्टेडी होता है और बोथ साइड यानी कि सिर के दोनों साइड हो सकता है, कोई एक साइड या फिर कोई मतलब लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड नहीं, दोनों साइड हो सकता है। तो पहला ये डिफरेंस हो जाता है। दूसरा एस्पेक्ट होता है को अकरिंग सिम्टम्स यानी कि सिर दर्द के साथ साथ कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इन केस ऑफ माइग्रेन नोजिया यानी कि जी मचलना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी जैसा लगना, उल्टी होना, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड मतलब कि लाइट से सेंसिटिविटी होना, साउंड से सेंसिटिविटी होना, आवाज़ से सेंसिटिविटी होना और विजुअल डिस्टर्बेंस होना, इत्यादि सिम्टम्स उसके साथ सिर दर्द के साथ दिखाई देते हैं। इन केस ऑफ रेगुलर हेडेक डू नॉट कम विथ एडिशनल सिम्टम्स, कोई भी एडिशनल सिम्टम्स यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तीसरा अंतर हो जाता है ट्रिगर्स। माइग्रेन के ट्रिगर की बात करें तो जनरली स्पेशल फैक्टर्स होते हैं, स्पेशल ट्रिगर होते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस खास करके महिलाओं में देखने को मिलते हैं। जब भी मासिक का समय आता है तो उसमें उसके समय से दो दिन पहले या फिर तीन दिन के बाद या फिर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। फिर स्ट्रेस, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी से जूझ रहा है, तो ऐसे केसेस में माइग्रेन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कुछ फूड, अगर आप कुछ फूड से ज़्यादा सेंसिटिव हो, एलर्जिक हो, अगर ऐसे फूड आपके खाने में आ जाते हैं तो फिर आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। स्लीप डिस्टर्बेंस, अगर आप नींद पूरी नहीं कर रहे हो या फिर आपकी नींद रेगुलर बेसिस पर डिस्टर्ब हो रही है तो ऐसे में माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वेदर चेंजेस, कई लोग ऐसे होते हैं जो वेदर में चेंज होता है यानी कि ऋतुएँ बदलती है तो उसमें ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में जब भी ऋतुएँ बदलती है, वातावरण में बदलाव आता है, ठंडी से गर्मी होता है, गर्मी से ठंडी में अगर चेंज होता है, तो ऐसे केसेस में माइग्रेन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कुछ सेंसरी स्टिम्यूलाई, सेंसरी मतलब कि आपकी जो भी सेंसेस होती है, जैसे कि सूंघने की क्षमता होती है, देखने की जो सेंस होती है, आवाज़ सुनने की सेंस होती है, तो ये जो भी सेंस होती है उसमें अगर कोई स्टिम्यूलाई यानी कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, ऐसे में अगर लाइट से आपको सेंसिटिविटी है, जैसे हम कहते हैं फोटोफोबिया, अगर आपको आवाज़ से सेंसिटिविटी है, तो ऐसे केसेस में अगर स्टिम्यूलाई होता है, अगर स्टिम्यूलेशन होता है, तो ऐसे में माइग्रेन होने की संभावना रहती है। इन केस ऑफ रेगुलर हेडेक, स्ट्रेस, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्ट्रेस रहते हो, कोई चिंता करते हो, तो हो सकता है। पुअर पोस्चर, पुअर पोस्चर मतलब कि देखिए ज़्यादातर केसेस में आपने अगर ऐसा देखा होगा कि जब भी सुबह उठते हैं तो सिर दर्द होता है, तो इसे में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है या फिर सोते वक्त आपका पोस्चर अच्छा नहीं होगा, मतलब कि गले को सिर को अच्छे से आराम नहीं मिला होगा और मसल्स में टेंशन के हिसाब से, टेंशन की वजह से सिर दर्द होता है, तो ये पुअर पोस्चर की वजह से हो सकता है। डिहाइड्रेशन,
अगर आपके शरीर में पानी की कमी है, आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हो, तो ऐसे में रेगुलर हेडेक होने के चांसेस रहते हैं। आई स्ट्रेन यानी कर आँखों में अगर बहुत ही दबाव आता है, दबाव मतलब स्ट्रेन आता है, मतलब आपकी आँखें थक जाती है, जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टीवी वगैरह देखते हो, लैपटॉप पर काम करते हो, मोबाइल पर काम करते हो, ऐसे में रेगुलर हेडेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा तो ट्रैवलिंग के दौरान मोशन सिकनेस होती है, जिसमें वोमिटिंग, नोजिया तो होती है, साथ में सिर दर्द भी होता है। तो आँखों को स्ट्रेन आता है किस प्रकार से, जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, आप खिड़की से बाहर देखते हो तो बाहर की जो भी चीज़ें होती है वो मूवमेंट में होती है, ऐसे में आपकी आँखों पर थोड़ा स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है, तो ऐसे में रेगुलर हेडेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा डिफरेंस होता है ड्यूरेशन। ये जो माइग्रेन की समस्या होती है लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब कि उसका ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन टाइप किस प्रकार का माइग्रेन है उसके ऊपर डिपेंड होता है। कुछ माइग्रेन के केसेस में 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक दर्द हो सकता है, लेकिन अगर उसे अनट्रीट रखते हो, क्रोनिक माइग्रेन की समस्या है, तो फिर अप टू 74 आवर्स यानी कि 3 दिन तक भी माइग्रेन की समस्या रह सकती है। इन केस ऑफ रेगुलर हेडेक 30 मिनट से लेकर कुछ घंटों तक, इसीलिए अगर आप उसे अनट्रीट रखते हो, कोई भी मेडिकेशन नहीं लेते हो, तो कुछ घंटों तक आपको रेगुलर हेडेक माइल्ड या फिर डल जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आप मेडिकेशन ले लेते हो या फिर अगर आप डिहाइड्रेशन की वजह से तो पानी पी लेते हो या फिर स्ट्रेस कम कर लेते हो, अच्छी स्थिति में बैठ जाते हो, सिर को आराम दे देते हो, रिलैक्स हो जाते हो, तो ऐसे में 30 मिनट के अंदर रेगुलर हेडेक चला जाता है। पांचवा अंतर होता है फ्रीक्वेंसी। माइग्रेन की समस्या होती है मोर फ्रीक्वेंट होती है, अगर ऐसे में भी क्रोनिक माइग्रेन की समस्या है तो फिर 15 डेज और मोर इन अ मंथ, मतलब कि एक महीने में 15 से ज़्यादा बार, मतलब कि हर दूसरे दिन माइग्रेन की समस्या हो सकती है, उसमें से भी 8 से 10 दिन ऐसे हो गए जिस वक्त जिस टाइम माइग्रेन में सिर दर्द के साथ साथ एडिशनल सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट और साउंड, तो ये हो जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेन के बारे में। अगर बात करते हैं रेगुलर हेडेक की फ्रीक्वेंसी, तो लेस फ्रीक्वेंट होता है, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बार देखने को नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा बार महसूस नहीं होता है। छठा अंतर होता है न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि हमने बात की माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ऑब्वियसली न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हाईली होगा, जिसमें नर्व्स, ब्रेन केमिकल्स और ब्लड वेजल्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं और माइग्रेन की प्रॉब्लम आती है। इन केस ऑफ रेगुलर हेडेक डू नॉट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, मतलब कि न्यूरोलॉजिकल के चेंजेस बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस, 6 मेजर डिफरेंसेस, टाइप ऑफ पेन, कोकरिंग सिम्टम्स, ट्रिगर्स, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, ये मेन 6 डिफरेंसेस माइग्रेन और रेगुलर हेडेक के बीच में हो जाते हैं। यदि जानकारी माइग्रेन क्या है, माइग्रेन और नॉर्मल हेडेक के बीच में क्या डिफरेंसेस है, उसके बारे में अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो, और कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।